हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज हमारे साथ में हमारे क्लिनिक में मौजूद हैं हरदमन कौर कोहली जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लिनिक पर आने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आप जो हैं वो बेसिकली पार्किंसन के पेशेंट हैं और आपको 11 साल से पार्किंसन का डिसीज़ था, बीमारी था, और 11 साल से आप जो हैं वो एलोपैथी की मेडिसिन ले रहे हैं। 11 साल से आपको डायग्नोज था जो पार्किंसन है। माइक में मुझे थोड़ा सा बताइए, कब से आपको जो पार्किंसन का बीमारी है? बीमारी मेरे को 11 साल से है। 11 साल से जी। मैं हॉस्पिटल में काम करती थी तो तब मेरे को पता लगा था। तब मैंने कंसल्ट किया अपने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है जी, ठीक है, कंसल्ट किया। हाँ। उन्होंने कहा सच्ची पूछी मेरे को पार्किंसन है जी, तो आप दवाई लो ठीक हो जाओगे। अच्छा। दवाई ली मैंने उनसे पर मेरे को कोई रिस्पॉन्स। 11 साल से लगातार ठीक है, एलोपैथिक से कोई फायदा नहीं हुआ। आपका जो कंडीशन था उसी स्टेज पे रहा बेसिकली। हाँ। कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट उतना ज्यादा आपको नोटिस नहीं हुए? चार महीने वैसे ही हुआ। हाँ। वो ये जो है शुरू में जो है डॉक्टर के पास वहाँ हॉस्पिटल से मेडिसिन ले रही थी जी, तो क्योंकि एलोपैथिक चल रहा था उसके बाद 10-11 साल तक तो वही चलता रहा मेडिसिन। आफ्टर दैट वी हैव अगेन कंसल्ट टू डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि अब ये टाइम ऑलरेडी आ गया है कि पीठ को पैट लगेगा। ओके। तो वो पैट की वजह से हम लोगों को फिर 3-4 बार ये कम से कम हॉस्पिटल में। अच्छा। अगर से हॉस्पिटल में यहाँ पंजाबी बाग महाराजा अगर हॉस्पिटल में ये वहाँ 3-4 बार प्रॉब्लम उनको हुई है और वे वहाँ ICU में ऐसे। तो जब ये ICU में थे तो सोकर बड़ी दिन यहाँ आपके ये डिपार्टमेंट में बात हुई थी जी, जी। तो डिपार्टमेंट में बात होने के बाद उन्होंने कहा कि आप सारी इनकी जो वीडियो से हमारी बात हुई उनसे किसी डॉक्टर से जी। तो आफ्टर दैट शी इज डॉक्टर ने बोला कि यू कम हियर एंड टेक द मेडिसिन। मैंने फिर पूरी हिस्ट्री आई विल टेल टू डॉक्टर। आफ्टर दैट दे हैव टेल मी दैट आपको ये मेडिसिन लेनी है। वो एक महीने से हम उनकी मेडिसिन ले रहे थे। मेडिसिन लेने के बाद वो जो है थैंकफुल के उस मेडिसिन से इनको पहले ये बोल नहीं सकती थी, खाना इनका नाक ट्यूब से जा रहा था कि एक्चुअली मैं यहाँ पे एक्चुअली ये बताना चाहूँगा आपको, रोके माफ़ करिएगा, कि एक महीने पहले जो है उनको कुछ सिम्टम्स थे बेसिकली। क्या मतलब अगर मैं पूछूँ को किस तरह के वो सिम्टम्स थे जो एक्चुअली में अब इम्प्रूवमेंट हुआ है उनमें एक महीने के बाद में? वही डॉक्टर, मैं आई एम टेलिंग यू दैट प्रॉब्लम ये थी कि वो पार्किंसन जो है इनको ICU में 12 दिन रहना पड़ा जी। एक बार फिर दोबारा 12 से 10 ICU में रहना पड़ा, फिर तीसरी बार ICU में रहना पड़ा और ये मुँह खोल के ऐसे लेटी गई थी। अच्छा। ऐसे ओके। तो उसके बाद मुझे यहाँ का कुछ फेसबुक से मैंने देखा जी, तो आपका ये एड्रेस मिला मेरे को ठीक है, तो मैंने डिस्कस की। तो इन द मीनवाइल ये फिर ICU में चली गई जब आपसे डिस्कस हुई आपके ऑक्यूमेंट, तो मैंने उनको मेंशन किया कि भाई आई कांट कम योर हॉस्पिटल सो आई ये ICU में है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, मेरे सारी डिटेल्स हैं आपने फोन में जो जो ने मैंने भेजी आज थे। तो उसके बाद जो है अब जब वो ये घर पर आई है तो अभी एक महीना पहले हाँ। तो हम लोगों ने आपकी जो है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू की थी जी, डॉक्टर पुनो से बात हुई थी जी, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया और डॉक्टर ज्योति से आपकी जो है उनसे बात हुई थी, डिस्कशन होने के बाद ये जो मेडिसिन ली थी उससे काफ़ी 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 फर्क है, इनको इम्प्रूवमेंट है कि ये अब पहले अपना लाख से नली लगी हुई थी खाना। बेसिकली क्या था कि एक महीने से पहले लगभग तो उनके राइस ट्यूब जला हुआ था, ऐसे फूड पाइप जला हुआ था, तो उसी से उनका फीडिंग होता था। लेकिन अभी एक महीने के बाद में जो है वो अपने आप से कुछ खाने पीने लगे हैं, च्यूइंग करने लगे हैं बेसिकली।
एक्चुअली हमारे ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जो पेशेंट ऐसा समझते हैं कि पार्किंसन जो है वो बिल्कुल भी एक मान लीजिए कि अपने आप में पार्किंसन प्रोग्रेसिव डिसीज है, तो कहीं ना कहीं अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल मैम की तरह जैसे आपने मुझे चीज़ें बताई हैं कि उनकी जो बॉडी मसल है उनकी स्ट्रेंथनिंग आई है, जो उनके चलने का पैटर्न है, वॉकिंग का जो पैटर्न है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, चीज़ें वो खुद से चीज़ें खाने लगे हैं, मेमोरी में उनका आपने मुझे बताया था मेमोरी में भी काफ़ी अभी इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, तो आई थिंक जैसे अभी डॉक्टर मुन्नू से भी बात हुई और आपसे भी बात हुई है जी, आई थिंक उन्होंने कहा कि शायद 3-4 महीने और मेडिसिन खानी पड़ेगी, उसके बाद वी विल बंद कर देंगे। हाँ, पर ये चलने भी लगेंगे इनको, आप चिकन सूप और ये खाने पीने खाने के लिए और उससे बेटर हो जाएंगी। और बाकी जो है वे अभी हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम अप्रिशिएट टू ऑल डॉक्टर्स जिन्होंने जो है पूरा प्रोटोकॉल बनाया और जो उन्होंने मेडिसिन दी है, वी आर टेकिंग इट प्रॉपर्ली एवरी डे और सब ऐसे चीजें ले जा रहे हैं जो कि उसे प्रिस्क्राइब की गई हैं चीजें, उसी बेसिस पे हम लोग ले रहे हैं। एंड मैं एक बार फिर भी अप्रिशिएट करूंगा कि आई एम थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। उसे एक्चुअली हम आपको बोलेंगे कि जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है बेसिकली वो आपके खुद के भी इतना कॉन्फिडेंस था, मैम का बहुत अच्छा से कॉन्फिडेंस लेवल था कि उनकी चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्प्रूव हुई हैं। पहले तो आई डोंट बिलीव कि कुछ होगा आयुर्वेदिक से। अच्छा, वो भी बताते रहो। अच्छा, मुझे लग रहा था कि शायद ही कोई आयुर्वेदिक से कोई कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं तो इतना मैं मेरे बेटे सिंगापुर पर रहते हैं ऑलरेडी, मेनी टाइम्स उनको मैं मेंशन करता रहता हूँ, वीडियो भेजता रहता हूँ कि ये आयुर्वेदिक का कमाल है कि विशेष है, आज अच्छा बोल सकती है और खा सकती है, पी सकती है, लोगों को पहचान सकती है, हमको प्रॉपरली पहचान भी सकती है, पहचान भी सकती है। यस, बेसिकली यही था कि पहले जो था वो अच्छे से लोगों को पहचानने में थोड़ी दिक्कत थी, मेमोरी में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन अभी वो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो उनकी बहुत अच्छी इम्प्रूवड है, वो अपने आप ने अभी मैम ने मुझसे खुद से बातें की हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। नहीं तो ये फर्स्ट आई विल टेल यू कि आज जितना आपसे बात की है शायद ही किसी डॉक्टर से बात। अच्छा, सो वही मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आज ये जिस हाल में थी जी, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं 15 दिन तक इतना रोया कि मैं अपनी जिंदगी भी नहीं रोया होगा जब डाक में पाइप लगा हुआ, तो मैंने कहा कि अगर ये पेट लग गया और मेरी लाइफ तो खत्म हो जाएगी इनके साथ, इनकी तो लाइफ जाएगी जाएगी। सो आप कह सकते हैं कि हाँ जो चीज़ें हैं आप एक्चुअली में पेशेंट से बताइए, हम चाहते हैं कि जो पार्किंसन के पेशेंट हैं, पार्किंसन के जो पेशेंट हैं अपने आप में एक उम्मीद लें। मेरी नाम मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ की जो मेडिसिन है डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आप ऑलवेज यू कम हियर एंड अच्छी मेडिसिन मिल रही है, आपकी केयर होगी और आई एम थैंकफुल कि एक बार फिर थैंक्स कहता हूँ और यू टॉक टू श्योर। मैम आप कुछ बताइए, आपको क्या मतलब आपको इम्प्रूवमेंट है, चीज़ें इम्प्रूव हैं हमारे लिए क्या चीज़ है, आप पेशेंट से क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले जो पेशेंट हैं उनको उम्मीद रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट रखना चाहिए आपके इम्प्रूवमेंट की वजह से, आप में इतना इम्प्रूवमेंट। मैम की जो एज है ऑलरेडी वो 76 ईयर के अराउंड है, तो वो एक अपने आप में बुढ़ापे की तरफ भी होती है तो चीज़ें, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट है, उनकी जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ जितने पेशेंट हैं उन्हें समझना चाहिए, देखना चाहिए कि आप इस उम्र में जाके भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी जो गुणवत्ता है लाइफ की, ज़िंदगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको कैसा लगा मैम? मेरे को ये अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया उसमें जी, उन्होंने सारी मेडिसिन इकट्ठी करी है। अच्छा, और उनको दी है, हर रोज देते हैं। अच्छा, तो मेरे को यही अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है कि मेरे जो पेशेंट जो डॉक्टर्स हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और हस्बैंड भी। अच्छा अच्छा, ये तो आपने हमारी तारीफ कर दी, लेकिन ऐसे जो आपने मेडिसिन ली कि मुझे जो चीज़ें पहले हो रही थी 1 महीने पहले मैं अपने आप से खा नहीं पा रहे थे, मांसपेशियों में उतनी आपको ज़्यादा स्ट्रेंथिंग नहीं थी, पावर नहीं थी, या जब आप चलते थे तो बैलेंस उतने अच्छे से नहीं बन पाता था, हाथ आपका उतने अच्छे से नहीं उठ पाता था, तो उस चीज़ में आपको कितना ऐसे इम्प्रूवमेंट लगा, कितना आपको बेहतर लग रही हैं वो चीज़ें? ऐसा है कि मैंने एक
लड़की रखी हुई है जो मेरे को चीजें आपको असिस्ट करते हैं चीजों के लिए, योगा करती है। ओके, तो उसमें मेरे को काफी इम्प्रूवमेंट मिली। ठीक है, काफी इम्प्रूवमेंट मिली है। वो मेरा हाथ उठता है, पहले उठते पूरे उठता था, अब काफी ज्यादा काफी उठने लगा है। ठीक है, मेमोरी में आपको कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट लगा कि पहले आप उतने अच्छे से लोगों को याद नहीं कर पाते थे, उन्हें पहचान नहीं पाते थे, अभी आपको लगा कि हाँ मुझे सही से किसी को पहचान लेते हैं चीजें? और मेरे को 12वीं में एक एग्जाम हो गया था मैथ्स का, तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन देखा था, वो मैं सॉल्व नहीं कर पाई। अच्छा, दोबारा मैं घर में गई तो मैंने सॉल्व किया, वो सॉल्व हो गया। अच्छा, तो मेरे को ऐसे लगा कि भाई मैं फिर दोबारा से ये आप 12th की बात कर रहे हैं, 12th क्लास की बात कर रहे हो, ये अपने आप एक अच्छा साइन है मुझे लगता है कि अगर आप 12th लेवल तक की बातें याद कर पा रहे हैं तो इस उम्र में जाके इस बीमारी के साथ में इन चीजों को याद करना ये उनको पुरानी बातें क्या आज तक याद। अच्छा, कि क्या हुआ था, क्या तो मैं समझता हूँ कि जितने भी पेशेंट हैं, जो हमारे पार्किंसन के पेशेंट हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, मैम के जरिए, अपने पेशेंट के जरिए कहना चाहूँगा कि वो अगर चाहे तो अपनी जो जिंदगी की जो गुणवत्ता है, जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको कहीं ना कहीं समाज सकते हैं। आप जानते हैं कि पार्किंसन जो है वो अपने आप में एक प्रोग्रेसिव डिसीज है, समय के साथ वो बढ़ती चली जाती है। तो हमारी जिम्मेदारी है, पेशेंट की जिम्मेदारी है कि अगर वो चाहता है कि अपनी जो डिसीज है उसको कंट्रोल रखे, उसका प्रोग्रेशन ज़्यादा ना होने दे, तो वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना चाहता है तो वो कोशिश करे जो हम लोग मेडिसिन बना के देते हैं, जो भी प्रोटोकॉल बना के देते हैं एक्सरसाइज का या योगा का, प्लीज़ उनको फॉलो करें। आपके सामने एक जीते जागते एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मुझे लगता है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ों को देखें और जिस तरह चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई हैं उनको फॉलो करें। और इनकी मैनेजर को क्वालिटी है, दे हैव टेकन इंटरेस्ट, टेकन इंटरेस्ट इन आवर केस एंड दे हैव, ये एक्चुअली हमारी तारीफ है कि पेशेंट चाहते हैं कि हम जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, स्टाफ जो है वो बहुत कोऑपरेटिव आपके साथ में, दे आर इंटरेस्टिंग इन एक्चुअली योर कंडीशन एक्चुअली। मैं आपके लिए इस बात का शुक्रगुजार हूँ, मैं इसके लिए धन्यवाद आपको बोलता हूँ। ठीक है डॉक्टर, हम लोग ये अच्छी बात हो रही है जी, और वी आर थैंकफुल अगेन एंड अगेन अगेन जो आपके पॉसिबल पेशेंट कॉन्फिडेंस है वो भी यहाँ से ठीक हो जाए। बेसिकली हमारा मकसद यही है। इसके अलावा अगर फिर भी कोई आपका सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं पार्किंसन से रिलेटेड, तो हमारे डॉक्टर्स हर समय आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पर, हम हर समय आपके लिए उपलब्ध हैं। किसी तरह की भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हर समय आपको वो जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद।